आपको अगर कामयाबी की पूरी यात्रा के बारे में बताऊं कि अगर आप मुझसे कहो कि सर आपके पास एक ही लाइन लिखने का मौका है और एक लाइन में लिख कर बताओ कि सफल कैसे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने एक रूल बनाया है जिसका नाम है LRP। L का मतलब होता है लर्न, R का मतलब होता है रिवीजन और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। और जब इन तीनों का गुना होता है तो रिजल्ट में क्या मिलता है? सक्सेस। लर्न मतलब सीखना। जो आप अभी स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हो, आप रोज इंस्टीट्यूट या ट्यूशन जाते हो, 6 घंटा समय देते हो, ये लर्निंग है। लर्निंग का रोल सक्सेस में 33% है। किसी चीज के अगर आप 3 टुकड़े करोगे तो हर हिस्सा अपने आप में 33.33% होगा। अक्सर हम यह गलती कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि क्लास अटेंड करना ही 100% सक्सेस है, और इसी गलतफहमी के कारण कई लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपको ये समझना है कि हमारी पूरी पढ़ाई 3 हिस्सों में बटी है। लर्निंग उसका एक पार्ट है, यानी सीखना आपका एक पार्ट है। उसके बाद 2 और पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, रिविजन करना और प्रैक्टिस करना। अगर आप तीनों चीजों को बैलेंस करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। इसको मैथ्स की भाषा में अगर मैं जवाब दूं तो आपने लर्निंग पर भी 10 गुना मेहनत करी, रिवीजन को भी 10 गुना मेहनत करी, प्रैक्टिस को भी 10 गुना मेहनत करी, तो आप सोचिए कि सक्सेस का रिजल्ट कितना आएगा। 1000, 1000, 10 गुना 10 गुना 10 जब होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1000। अब आप मुझसे कहोगे कि सर मैं क्लासेस तो बहुत बढ़िया अटेंड करी, मैं रोज नियम से क्लास अटेंड करने आया, मैंने सर घर जाकर रिवीजन भी किया, बस मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पर काम नहीं कर पाया या मैं प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, आपने सीखने पर काम किया, आपने रिवीजन पर काम किया, बस आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो बताओ जरा 10 गुना 10 गुना 0 का रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं आया समझ में? देखिए, 0 के साथ किसी का भी गुना हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 0। और ये है हमारी असफलता का कारण। हमारे पास 3 चीजें हैं और मुझे तीनों चीजों का कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है। अगर एक चीज पर भी मैंने काम नहीं किया या एक चीज पर भी मैंने कम मेहनत करी, उसका असर पूरे रिजल्ट पर पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? आपने लर्निंग पर बहुत काम किया, आपने रिवीजन पर बहुत काम किया और आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं या बहुत कम करी, आपका रिजल्ट उतना ही डाउन होगा। और बाकी 2 चीजों पर आपने कितनी अच्छी मेहनत करी, आपको रिजल्ट मन माफिक अच्छा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसलिए LRP यानी लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, तीनों पर अटूट मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा, अर्थात कामयाबी जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।